हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री विवद सिंह पर अनाप शनाप बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विवद सिंह पहले बयानबाजी करते हैं फिर भूल जाते हैं। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री विवद सिंह ने विकास योजनाओं को रोकने का काम किया है। एम्स को लेकर भी प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसके चलते आज काम लटका हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का विकास कांग्रेस ने रोक रखा है, आगामी 5 सालों में ब्याज सहित काम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की विफलताओं को और भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। जब जब भारतीय जनता पार्टी आई तब तब विकास हुआ, तब तब प्रदेश आगे बढ़ा है, और जब कांग्रेस आई प्रदेश कर्जे में डूबा है, बेरोजगारी बढ़ी है और भ्रष्टाचार और माफिया राज एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता हो, बलात्कार, आरोप, अत्याचार और लूटपाट, चोरी की घटनाएं आम बात है, तो उस राज्य का क्या हाल होगा? जिस राज्य का सीएम बेल पर और पुलिस जेल में, उस राज्य का क्या होगा? जिस राज्य के ऊपर रोज नया एक धब्बा लगता है, क्या उस राज्य को आज साफ सुथरा वापस बनाने का समय आया है? तो मुझे लगता है युवाओं में शोर, भाजपा को बागडोर। वीरभद्र सिंह अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं फिर भूल जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में आज तक 5 वर्षों में उन्होंने जमीन रोक कर रखी। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने भूमि उपलब्ध नहीं करवाई। हमारा हमीरपुर का बस स्टैंड आज से 5 साल पहले 70-75 करोड़ रुपए की लागत से बनना था, उसके ऊपर 75 पैसे भी खर्च नहीं हो पाए। टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेकर बाकी सब, यहाँ तक कि सीएसडी के डिपो के लिए भी जो जगह चिन्हित करनी थी जिला उन्नयन में, वो भी सरकार ने नहीं दी। इससे बड़ा और क्या होगा कि लगातार कांग्रेस की सरकार विकास की योजनाओं को रोकने का प्रयास करती है। 63 नेशनल हाईवे मंजूर हुए, इनसे DPR तक नहीं बन पाई। जहाँ तक एम्स का सवाल है, मैंने पहले भी कहा है, प्रदेश की सरकार की ओर से जो कमियां हैं उनको पूरा करना चाहिए। केंद्र की सरकार की ओर से जो भी औपचारिकताएं होंगी वो केंद्र सरकार पूरी करेगा। हमीरपुर में मटाहनी में दलित समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने जनता से सीधा संवाद किया और उनसे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने दलित के घर बैठकर भोजन भी किया। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर जारी हुई बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट को खारिज किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई चीज है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं वह शरारती तत्व है, इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी की कोई लिस्ट नहीं है, ये सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपने विचार रखते हैं और उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष ने भी उसका खंडन किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है, रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। और जो लोग इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं वो शरारती तत्व हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा कहीं ना कहीं? कोई नुकसान नहीं होता, जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनेगी। जिस तरह से पूर्व में भाजपा की सरकारों में विकास हुआ है, धूमल जी की सरकार में 85 अवार्ड हिमाचल प्रदेश को 5 वर्षों में मिले, नंबर 1 राज्य का दर्जा मिला, ये अपने आप में दिखाता है विकास किस तरह से हुआ। शांता जी से लेकर धूमल जी तक लगातार भाजपा की सरकारों ने अच्छा काम किया है।